हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जरा नैक्सट लैक्चर अपना एएसपी .NET का लिस्ट कंट्रोल्स बारे डिस्कस करते हैं। जब कहते जी लिस्ट कंट्रोल्स अनेबल अस टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम और कलैक्शन, मतलब कि लिस्ट आप आइटम की शो करता ज कलैक्शन की। वी कैन डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन जिमें चैकबॉक्स हो गया, लिस्ट आइटम हो गया, बुलेटेड आइटम हो गया, लिंक हो गया, इन्होंने सारे बारे डिस्कस करा। देयर आर नंबर ऑफ द कंट्रोल विच आर यूज टू रीप्रेजेंट द कलैक्शन ऑफ द आइटम सच एज फॉलोअर्स। पहला पर रेडियो ड्रॉप डाउन लिस्ट बारे गल करते हैं। जी ड्रॉप डाउन लिस्ट होंगी है कंट्रोल, इस कहते कलैक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम विच द यूजर कैन सिलेक्ट वन आइटम एट ए टाइम। मतलब कि अपने को आइटम की कलैक्शन होंगी जिद यूजर सिर्फ एट ए टाइम एक ही आइटम सिलेक्ट करता है, एंड द लिस्ट ऑफ आइटम रिमेन हिडन अंटिल अ यूजर चैक द ड्रॉप डाउन बटन ऑफ द कंट्रोल। बाकियां की होंगे ने हिडन होंदिया ने। आइटम्स कैन बी एडेड टू द ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल बाय यूजिंग द आइटम प्रॉपर्टी। जी आइटम आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के एड करने आइटम प्रॉपर्टी की वरतों करते हैं। तो कहते बेसिक सेंटेक्स टू एड द ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल टू वेब फॉर्म यूजिंग अ सोर्स कोड इज फॉलो। जिमें फर्स्ट एएसपी मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट आई डी आप सैट करती, फर्स्ट यूनिट सर्वर से अपलोड करता, लिस्ट आइटम वन होगी, फिर सैकेंड होगी, थर्ड होगी, इस तरह आप सारिया एड जराे। तो वी कैन आलसो एड आइटम टू ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल डायनामिकली थ्रू कोड, फॉर एग्जाम्पल इन शी शार्प। दिस कैन बी डन एज फॉलोज, जिमें ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट आइटम एड आइटम आप इदा एड करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ देखो, पहली प्रॉपर्टी है कि आइटम्स यूज टू एड कलैक्शन ऑफ आइटम इन टू ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल के आप आइटम्स की कलैक्शन एड करते हैं। सिलेक्टेड इंडैक्स यूज टू गैट अ सैट द इंडैक्स ऑफ करंटली सिलेक्टेड आइटम, करंटली कि आइटम सिलेक्ट करनी है। आप सिलेक्ट द वैल्यू यूज टू गैट और सैट द वैल्यू ऑफ द करंटली सिलेक्टेड आइटम, भी वो वैल्यू कितनी सैट करनी है। सिलेक्टेड इंडैक्स चेंज्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है जी, इट रेज्ड ऑन द सर्वर व्हेन द यूजर सिलेक्ट अ डिफरेंट, ये सर्वर तो उदो खत्म हो जाती है जो मतलब कि यूजर इनू उस लिस्ट के ओपन कर लेता। तो बेसिक सी शार्प सेंटेक्स सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड इवेंट ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल इज दिस वन। तो प्रोटेक्टेड की अवॉयड ड्रॉप डाउन लिस्ट वन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आरगू हो गया। ब्रेस शार करके आप इतने की करा कोड है जो एड करा। ठीक है जी, तो टेक द फॉलोइंग प्रोग्राम है, जिमें आप सिलेक्ट करनी सिटी, जिमें खन्ना होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इतने क्रिएट करेंगे। पहला उस तरह वैबसाइट पर जावे, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, वैब फॉर्म के जाकर ड्रॉप डाउन आप फॉर्म एड करा। तो उस तो बाद अपने को ड्रॉप डाउन लिस्ट जी प्रॉपर्टीज़ है, जिमें खन्ना, लुधियाना, नाभा, एम जी जी, बठिंडा, राजपुरा, ठीक है। ये होना अपना टाइटल की हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल का। टेबल के आप सिलेक्ट की है पहला सिटी, ठीक है। ड्रॉप डाउन आई डी के आप ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, यूनिट सर्वर अपलोड करते हैं, हाइट वो 19 तो बैठ वो आप 140 देती, भी हाइट लंबाई चेना गा चौड़ाई 140 आ। लिस्ट आइटम खन्ना पहली ऐड करती, फिर लिस्ट आइटम लुधियाना ऐड करती, फिर लिस्ट आइटम नाभा ऐड करती, फिर आप एम जी जी करती, बठिंडा करती, राजपुरा करती, फिर उन ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लोज करता, फिर उस तरह डी डी क्लोज करता, टेबल रो न क्लोज करता, टेबल न डिब न फॉर्म न बॉडी एच टी वन जब 5 प्रेस करोगे तो एक लिस्ट खुल जूगी बेटा। जिम्मे सिलेक्ट सिटी खन्ना अपने को ड्रॉप डाउन का मीनू आ भी खन्ना ये हो जाऊगा अपना सिलेक्ट हो जाऊगा। अगे आगे अपने को रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल, रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल डिस्प्ले कलैक्शन ऑफ रेडियो बटन, रेडियो बटन की फॉर्म के उपर ही शो करती है। दीज ऑप्शन आर म्यूचुअली एक्सकलूसिव, मतलब कि एक दूजे मिलिया जुलिया होंगे ने। दिस कंट्रोल कंटेन अ कलैक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट दैट कुड बी रेफर टू थ्रू द आइटम प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉपर्टी द्वारा ही चूज़ की जाती है। ठीक है जी, द बेसिक सेंटेक्स टू एड आ रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल टू वैब फॉर्म यूजिंग द सोर्स कोड एज फॉलोज। तो उस तरह रेडियो बटन लिस्ट आई डी हो जूगी, रेडियो बटन लिस्ट आई डी आप एड करा जो रेडियो लिस्ट पहली आइटम ऑप्शन फर्स्ट होगी, फिर सैकेंड, फिर थर्ड, इस तरह सो हो जाएगी। जी वी कैन आलसो एड आइटम टू रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल डायनामिकली थ्रू कोड, जिमें कोड आ रेडियो बटन लिस्ट वन आइटम एड आइटम सेम एज ही होगा, बट वो जिमें आप लिस्ट की गल ड्रॉप डाउन की गल करते इतने आप रेडियो बटन की गल करा। जोड़ा सिलेक्टेड इंडैक्स चेंज आ मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट है रेडियो बटन लिस्ट के, इट इज़ रेज्ड ऑन द सर्वर, सर्वर तो रेज हुई जो आप इन सिलेक्ट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म तो, ठीक है। तो ये अपने को हो गया, यदा होगा प्रोटेक्टेड वाइड रेडियो बटन लिस्ट वन सिलेक्टेड इंडैक्स चेंज ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आरगू एक्सैक्ट्रा, ठीक है। हैंडलर हो गया ये कोड लिखा,
डिस्क्रिप्शन जिवें आप हाँ रेडियो बटन का साइन हों BCA BBA MBA MCA इन्हों एक चूज करना ठीक है। उस लिए सोर्स कोड ये रेडियो बटन लिस्ट वन आइटम कि हो गई आइटम्स हो गई कलैक्शन हो गई वैल्यूज की BCA BBA MBA MCA तो यद आप टाइटल देता पहला टाइटल देने तो बाद टेबल सेटिंग आप रेडियो बटन आई डी कर लेंगे आप सारिया आइटम सिलेक्ट कर देंगे सिलेक्ट करने बाद उस तरह इन क्लोज करा जो तुम्हें ये कोई भी सिलेक्ट करोगे तो आउटपुट है जी सामने हो जाएगी। इस तो बाद अपने को लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जिहड़ा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल होंदा बेटा ये की होंदा अपने को लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज कलैक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम विच द यूजर कैन सिलेक्ट वन और मोर आइटम मतलब कि जिहदे विच यूजर एक जां इक तों ज़्यादा आइटम सिलेक्ट करना चाहता आइटम कैन बी एडेड टू द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल बाय यूजिंग आइटम प्रॉपर्टी तो ही एड करांगे। द बेसिक सिंटैक्स टू एड अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल टू वेब फॉर्म यूजिंग अ सोर्स कोड एज फॉलोज लिस्ट बॉक्स आई डी इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स वन यूनिट सर्वर हो गया सिलेक्शन मोड हो गया मल्टीपल का भी मल्टीपल आप जिद्द सिंगल सिलेक्ट करते जिद आप मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं ठीक है जी। जिमें लिस्ट आइटम हो गया लिस्ट आइटम वन ठीक है जी टू हो गई थ्री इस तरह तो इस तो बाद की है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ने ये जिमें आइटम आप कलैक्शन लें आइटम्स की लिस्ट बॉक्स के रोज यूज टू स्पैसीफाई द नंबर ऑफ आइटम टू बी डिस्प्ले इन द लिस्ट बॉक्स किन आइटम आप डिस्प्ले करवाएंगे इफ एक्चुअल लिस्ट कहते कंटेन मोर रोज दैन द नंबर ऑफ रोज टू बी डिस्प्ले कि रोज़ आप डिस्प्ले करवाने स्क्रोल बार एड करते हैं ये अगे अपने को सिलेक्ट इंडैक्स कहते यूज टू गैट अ सैट द इंडैक्स ऑफ करंटली सिलेक्ट आइटम पहला कि आप करंटली कि आइटम सिलेक्ट करके रखनी है भी वो उपर इंडैक्स सैट करते हैं इफ मोर दैन वन आइटम इज सिलेक्टेड दैन द इंडैक्स ऑफ द फर्स्ट सिलेक्टेड आइटम रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी द्वारा पहले ही सैट होगा इफ नो आइटम इज सिलेक्टेड द वैल्यू ऑफ द दिस प्रॉपर्टी इज माइनस वन जो नहीं है तो वह वैल्यू आप माइनस वन यूज करा सिलेक्ट डेड वैल्यू यूज टू गैट और सैट द वैल्यू ऑफ द करंटली सिलेक्टेड आइटम करंटली आइटम है जी वैल्यू कि सिलेक्ट की गई है इफ मोर दैन वन आइटम इज सिलेक्टेड एक तो ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिलेक्टेड आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्रॉपर्टी इफ नो आइटम इज सिलेक्टेड द वैल्यू ऑफ द दिस प्रॉपर्टी इज एम्प्टी स्ट्रिंग शो करेंगे। अगे अपने सिलेक्शन मोड ये आप शो करना भी सिंगल सिलेक्शन लैनी है या मल्टीपल सिलेक्शन लैनी है जो सिलेक्टेड इंडैक्स चेंज की गल की है इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज इवेंट ऑफ लिस्ट बॉक्स की मोस्टली कॉमनली यूज इवेंट है इट रेज सर्वर वो सेम है जी सारे राजे देखो भी सर्वर तो यह डाटे रीज कर देता ऑन कर देता लिस्ट बॉक्स जो खोलते हैं तो बेसिक सेंटेक्स यदा बस प्रोटेक्टेड वर्ड लिस्ट बॉक्स हो गया सिलेक्टेड इंडैक्स चेंज उस तरह ही आप वैल्यू जी एड करा जी हम अपने को एंटर द आइटम जिमें आप आइटम इतने मंडी गोविंदगढ़ करती खन्ना करती या सरहिंद करती इतों एड बटन आप एड बटन यूज करेंगे ये लिस्ट अपने को इंडैक्स आप सैट करके बाय इंडैक्स मतलब कि चीज़ ओपन रहे सैट का अपने को फॉलोइंग प्रॉपर्टी बटन ए टैक्स से एड लिस्ट वन आ गई अभी आइटम की कलैक्शन मंडी गोविंदगढ़ होगी खन्ना हो गया सरहद होगी तो उस तरह पहले वह टाइटल दिता आप ठीक है जी टाइटल देने तो बाद टैक्स बॉक्स आई डी सैट करती हो क्योंकि आप टैक्स आइटम भी लिखनी है उत्थे बटन आई डी सैट करती जो एड का लेना टैक्स आप उत्थे एड करता एड ठीक है। उस तो बाद लिस्ट फर्स्ट के एड की फिर लिस्ट आइटम ऐड की पहली लिस्ट बनानी वो आइटम्स ऐड करती हैं तीन तरह दियाँ आइटम ऐड करने तो बाद बंद करता उस तो बाद जो F5 प्रेस करोगे तो एंटर आइटम जो भी आइटम इतने आइटम करोगे जिमें तुम खन्ना लिखना तो खन्ना उत्थे की हो जाएगा ऐड हो जाएगा ठीक है। सपोज यू आर एंटर लुधियाना इन द टैक्स बॉक्स एज द न्यू आइटम टू बी इंसर्टड इन टू द लिस्ट तो नवी आइटम उत्थे की हो जाएगी इंसर्ट हो जाऊ देखो बेटा जिमें एंटर आइटम लुधियाना तो आप इतने नवी आइटम की कर ली एड हो गई इधर जाके ठीक है। चैकबॉक्स लैक्स जी चैकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल होंगी है चैकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल डिस्प्ले ग्रुप ऑफ चैकबॉक्स दैट ऑल द वर्क टूगैदर इकट्ठे काम करते हैं भी जो कट्ठिया क्लिक मल्टीपल क्लिक लेंदा तो दिस कंट्रोल कंटेनर कलैक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम एंड ईच आइटम बीइंग अ चैकबॉक्स हर एक का अपना चैकबॉक्स होना चाहिए तो दीज आइटम नीड्स टू बी एडेड एंड टू डू सो फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो ठीक है जी। उस तरह आप ओपन करेंगे प्रॉपर्टी विंडो में पहले चैकबॉक्स के आप प्रॉपर्टी विंडो में ओपन करते हैं ऑफ द चैकबॉक बॉक्स लैफ्ट कंट्रोल के क्लिक करेंगे ऑन द एलिप्स बटन फॉर आइटम प्रॉपर्टी ऑफ चैकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल के एलिप्स बटन पर क्लिक किया तो स्टैप नंबर थर्ड के लिस्ट आइटम कलैक्शन एडिटर डायलॉग बॉक्स से क्लिक करोगे उतो एड पर जाके नवी आइटम आप कर लेंगे एड कर लेंगे फिर उन्होंने वेरीफाई करा वो मैंबर कि लेने हैं जिद अपने को कुछ प्रॉपर्टीज ने एनेबल्ड का मतलब होंगे गा भी आप आइटम इनेबल शो करना ज नहीं करना सिलेक्टेड का मतलब वैल्यू कि सिलेक्ट करनी है टैक्स का मतलब कि टैक्स डिस्प्ले करवाना
वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इग्जाम्पल कहते यू कैन सैट द टैक्स प्रॉपर्टी ऑफ आइटम स्टूडेंट का नेम है एंड द वैल्यू प्रॉपर्टी टू अ मोबाइल नंबर। स्टूडेंट का नेम आप टैक्स प्रॉपर्टी सैट करती, वैल्यू प्रॉपर्टी कैसे सैट करती, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट का। दस वी कैन कीप द टैक्स एंड वैल्यू प्रॉपर्टी डिफरेंट वैन यू डू नॉट डोंट वॉन्ट द एक्चुअल वैल्यू टू डिस्प्ले टू द यूजर। एक्चुअल वैल्यू जी आप यूजर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। ठीक है, इसलिए सेंटेक्स की है अपने को चैकबॉक्स लिस्ट आई डी का, चैकबॉक्स लिस्ट के आप लिस्ट आइटम वो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू वन तो वैल्यू टू आप दो आइटम ऐड की, तो दोनों उन्होंने वैल्यू जी आप ऐड कर रहे हैं। बस जोड़ा सिलेक्टेड इंडैक्स चेंज आम काम ही होगा भी सर्वर तो उन्होंने रेज कर दूगा। ठीक है, इस तो बाद प्रोग्राम देखो वैबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जिम्मे वट यूर हॉबी है, चैकबॉक्स ऐड कर रहे हैं सिंगिंग रीडिंग डांसिंग रोमिंग चैकबॉक्स लैक्सट है। ठीक है, ये अपने तीन तरह दलैक्शन अपने चार तरह की होगी, आइटम्स की अपने को एक है तो ये आप पहला टाइटल दिता गा, फिर उस तो बाद आप मेन हैडिंग सैट करके वट वट यूअर हॉबीज़ की ने चैकबॉक्स लिस्ट आई डी आप ऐड कर रहे हैं, मतलब पहली दूजी तीजी तीन लिस्ट एडम करते हैं, आइटम ऐड करती हैं आप, एडम करने तो बाद उस जो प्रसाई करोगे सिंगिंग क्लिक करोगे तो कोई सिंगिंग शो हो जूगा, रोमिंग क्लिक करोगे तो कोई रोमिंग शो हो जूगा। ठीक है जी, इस तो बाद अपने को बुलेटेड लिस्टड कंट्रोल कड़ी होंगी है, बुलेटेड जिम्मे बेटा गोल गोल जी साइन होंगे जिंद मूहे कई बार अपने लिस्ट के मूहे गोल साइन होंगे जिम्मे चिट्ठी तुम्हें किया होगा, जी बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल रेंडर आ इधर अनऑर्डर भी हो सकती है तो ऑर्डर्ड भी हो सकती है। ऑर्डर का मतलब अनऑर्डर जिद बुलेटेड वगैरह कोई साइन वगैरह यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड जी होगी जिद नंबर है 1 2 3 या ए बी सी या कोई आप रोमन अक्षर यूज़ करते हैं। ईच आइटम लिस्ट इन कैन बी रेंडर्ड एज प्लेन टैक्स, प्लेन टैक्स की तरह काम करती है। ठीक है, लिंक बटन कंट्रोल और लिंक टू अनदर वेब पेज भी लिंक बटन कंट्रोल भी यूज़ करते हैं। वी कैन कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द बुलेट दैट अपीयर फॉर ईच लिस्ट, अपीयरेंस मतलब बुलेट शो करने हैं। ठीक है, तो बुलेट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द फॉलोइंग वैल्यू, सर्कल अपने को एक सर्कल भी हो सकता, एक कस्टम कस्टमाइज भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, लोअर अल्फा भी हो सकता, लोअर रोमन भी हो सकता, नॉट सेट हो सकता, नंबर्ड भी हो सकता, स्केयर भी हो सकता, अपर अल्फा भी हो सकता, अपर रोमन भी हो सकता। वी कैन सैट बुलेट जो स्टाइल से अपने को टू नंबर टू डिस्प्ले या नंबर लिस्ट में शो करने यूज़ करते हैं। इफ वी सैट द प्रॉपर्टी का कहें वैल्यू कस्टम अमेज एंड साइन अमेज पाथ, अमेज पाथ दे देना कोई मतलब कोई फिगर जी कोई शेप जी शो कर देने मूहे। ठीक है, तो वो आप बुलेट अमेज यूआरएल प्रॉपर्टी की वरतू है जी करेंगे। ठीक है, वी कैन मॉडिफाई द अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब शो करना होता ईच लिस्ट में जो आप मॉडिफाई करने चाहते हैं डिस्प्ले मोड के तो प्रॉपर्टी एक्सैप्ट करूँ वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फ्रॉम बुलेटेड डिस् लिस्ट डिस्प्ले मोड तो हाइपर लिंक भी एक तो आप दूजे ते लिंक क्रिएट करना, लिंक बटन भी वो अगले बटन पर पहुँच जी, टैक्स ईच लिस्ट आइटम इज रेंडर्ड एज प्लेन टैक्स शो करती है। जिमें आप कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक डाटा ग्लोब ये बारे बनाना गा, बुलेटेड अपने को लिस्ट हो गई। ठीक है जी, इस तो बाद जिमें प्रोग्राम दिता यूजिंग द बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल के आप कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक लिस्ट आइटम वगैरह ऐड कर लिया, ऐड करन तो बाद जो तुम देखोगे तो सारिया आइटम जीडिया शो हो जाएंगे जिमें कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक डाटा ग्लो इस तरह इन्हें लिस्ट है जी इकट्ठी है जी बन जाए। बुलेटेड मतलब जिमें आ मूहे साइन आ गए बेटा अपने को आवले ये स्केयर साइन देता किहड़ा साइन हो गया अपने को स्केयर, स्केयर की फॉर्म के आप इतने की कर रहे हैं आ देखो बुलेट का स्टाइल की है अपने को स्केयर टाइप का मतलब स्केयर टाइप उन्होंने जो मूहे जो साइन है शो हो जूगा थोड़े इसे लिस्ट कंट्रोल। अगला टॉपिक आप कल वाले लैक्चर करा जो कोई प्रॉब्लम लगती होगी तरह जो दोबारा पूछ लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।